Hi everyone, welcome to our YouTube channel YouTube Mantra. I hope you all are doing great. यहाँ पर जितने भी YouTube क्रिएटर हैं, अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है तब भी आपके लिए आज की अपडेट बहुत ही जरूरी है. अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तब भी आप सभी को ये नए अपडेट जो है जान लेने चाहिए. लेकिन इस वीडियो को अभी शुरू करने से पहले बात कर लेंगे वैसे लोगों के बारे में जो लोग ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप सभी बिगनर हो, स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम वर्कर हो, फुल टाइम वर्कर हो, फ्रीलांसर हो, रिटायर्ड पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, तब भी आप सभी बिना किसी टेक्निकल स्किल्स के काम करके ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो. इसके लिए बस आप सभी को एक लिंक चेक करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है. जैसे ही आप सभी उस लिंक को चेक करोगे, देखोगे, वहां पर आप सभी को 5 दिनों का डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है और इस फ्री डेमो क्लास के थ्रू आपके सारे सवाल, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. आप सभी जान पाओगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, एसईओ क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप सभी ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो. और इस फ्री डेमो क्लास के थ्रू आप सभी सारी चीजें जान पाओगे और इसके लिए बस आप सभी को रजिस्टर करने के लिए अपना नेम, मेल आईडी, फोन नंबर प्रोवाइड करना है. उसके बाद आप सभी बिल्कुल फ्री तरीके से ज्वाइन कर सकते हो ये 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास. तो बात कर लेंगे जिनके चैनल यहाँ पर मोनेटाइज नहीं है तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मोनेटाइजेशन में, और जिनका चैनल मोनेटाइज है तो आगे और क्या मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, उनके वीडियो मोनेटाइजेशन में या फिर यूट्यूब जो है अपने साइड से कोई एक्शन ले सकता है, उसके बारे में बात करेंगे. और आप सभी को पता है कि एडसेंस जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप सभी को अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है तो आप सभी को एडसेंस से कनेक्ट करना पड़ता है अपना यूट्यूब चैनल, और एडसेंस से कनेक्ट करने के लिए आप सभी को अपना वेरिफिकेशन के लिए कुछ आइडेंटिटी कार्ड या फिर आईडीज जो है वहां पर सबमिट करना होता है. साथ ही गाइस यहाँ पर जितने भी YouTube क्रिएटर हैं आप सभी लोगों के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है. अगर आप सभी अपने चैनल को हमारे चैनल पर फीचर करवाना चाहते हो या प्रमोट करवाना चाहते हो तो इस लिंक को चेक करके आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हो. तो बात करी थी एडसेंस के बारे में कि एडसेंस कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. तो अगर आप सभी अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हो और वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो आईडीज लगती है वो आप सभी को पता है, वो है आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड. तो सबसे पहले आधार कार्ड था, उसके बाद पैन कार्ड था. लेकिन अब आप सभी को बता दें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड से आप सभी का काम नहीं चलने वाला है. अगर आप सभी को अपना एडसेंस कनेक्ट करना है यूट्यूब से चैनल मोनेटाइजेशन के लिए तो आप सभी को नई आईडी जो है यहाँ पर अपलोड यानी कि वेरिफिकेशन के लिए डालनी होगी. ऐसे तो आप सभी को पता है कि आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है, लेकिन यूट्यूब ने अपने साइट से ये हटा दिया है. कई ऐसे भी क्रिएटर होते थे जो छोटे हैं, जो उनकी एज नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है, तो अपने किसी फैमिली मेंबर का यूज कर लेते थे. लेकिन अब यूट्यूब ने ये सिस्टम भी चेंज कर दिया है. अब आप सभी को आधार कार्ड और पैन कार्ड की जगह पर अपना पासपोर्ट, वोटर आईडी, साथ ही साथ आप सभी को अपना वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो वो अपलोड जो है करना पड़ेगा. अगर आप सभी के घर में आपके पास आपका वोटर आईडी नहीं है तो आप सभी अपने घर में से किसी का यूज करके वहां पर डाल सकते हैं जिनके पास भी वोटर आईडी है. दूसरा, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप सभी किसी और का वहां पर अपलोड कर सकते हैं. थर्ड, पासपोर्ट बहुत लोगों के पास नहीं होता है, जिनके पास है तो बहुत अच्छी बात है. और एक बहुत ही बड़ा अपडेट है क्योंकि ये यूट्यूब ने अपने साइट से चेंज जो है किया है वेरिफिकेशन के लिए, तो आप सभी को मेक श्योर करना है कि आपके पास वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस हो. अगर आप सभी एलिजिबल हो इन तीनों चीजों के लिए तो आप सभी के पास डेफिनेटली होना चाहिए ताकि आप सभी एडसेंस से कनेक्ट करके अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सको. अब बात करेंगे किन कारणों की वजह से चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता और क्या कुछ करना चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए. तो आप सभी जैसे ही आपका, आपको पता है कि YouTube का जो क्राइटेरिया है वो 1000 यानी कि 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे यानी कि 4000 आवर्स वॉच टाइम का है. और जैसे ही आपका ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल हो जाता है तो आप सभी एडसेंस को भेजते हो मोनेटाइजेशन के लिए. तो एडसेंस जो है ना, सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल का जो सबसे पॉपुलर वीडियो है वो चेक करता है कि व्यूज आए कहां से, वॉच टाइम कहां से कंप्लीट हुआ. और जैसे ही आप सभी अपने इस रिव्यू के लिए भेजते हो तो साथ ही साथ एडसेंस जो है आपकी लेटेस्ट वीडियोस को भी चेक करता है. और कई बार ऐसा भी होता है कि कितने सारे यूट्यूब क्रिएटर होते हैं कि चेकिंग के बाद भी उनका यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हो पाता. कहीं ना कहीं कारण होता है कि एडसेंस ये सारी चीजें चेक करता है कि व्यूज कहां से आए, कैसे वॉच टाइम कंप्लीट हुआ
और वहां पे इनवैलिड क्लिक जो है पाया जाता है, इस वजह से एडसेंस जो है चैनल को मोनेटाइज नहीं करता है। और कई बार कुछ गलतियां भी होती हैं, जैसे कि मेटा टैग वगैरह के बारे में आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आप सभी को बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इनवैलिड क्लिक के बारे में बात कर लेंगे। अब आप सभी को ये पता है कि एडसेंस से कनेक्ट करने के बाद आप सभी के चैनल, आपका अगर चैनल मोनेटाइज है तब भी एड चलेगा, नहीं मोनेटाइज है तब भी एड चलता है। तो अगर आप सभी उस एड को, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, उस एड को आप सभी सेम फोन से दूसरे मेल आईडी से लॉग इन करके देख रहे हो, बार बार देख रहे हो अलग अलग मेल आईडी से, तो उसे इनवैलिड एक्टिविटी माना जाता है। और एडसेंस अगर ये चेक कर लेता है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। इसलिए आप सभी को ध्यान में रखना है कि आप सभी जिस फोन से यूज कर रहे हो अपना यूट्यूब चैनल, उसी फोन से अदर मेल आईडी से आप सभी को अलग अलग टाइम पर एड और वीडियो वॉच नहीं करना है। आप सभी दूसरे फोन का, दूसरे फैमिली मेंबर का यूज कर सकते हो। अब जो इसके बाद मैंने आप सभी को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो है वो है मेटा टैग के बारे में। तो मेटा टैग मतलब होता है टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रही थी। बेसिकली होता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में कई बार लोग क्या करते हैं कि वहां पर भी टैग एंटर करते हैं। ऐसे तो टैग एंटर करने के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में टैग ऐड करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वहां फॉर्मेट जो लोगों का होता है ना, कई लोगों का, वो गलत होता है। गलत ये होता है कि लोग वहां पर कॉमा जो है वो पुट कर देते हैं। तो आप सभी को कॉमा पुट नहीं करना है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आप सभी को वहां पर ऐड करना है। आप सभी चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, वो एक प्रॉपर मेटा बोल सकते हैं। उसी तरीके से आप सभी भी वही फॉर्मेट फॉलो करके अपने वीडियोस में डिस्क्रिप्शन जो है डाल सकते हो, इनवैलिड एक्टिविटी से बच सकते हो, साथ ही प्रॉपर मेटा के साथ आप सभी अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर सकते हो। और गाइज मेक श्योर कि एडसेंस से अपने चैनल को वेरीफाई करने के लिए, एडसेंस से कनेक्ट करने के लिए आप सभी के पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। सो आई होप गाइस कि आप सभी को ये नई अपडेट पसंद आई होगी। आप सभी को ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताना। आप सभी के पास कौन सी आईडी है वेरिफिकेशन के लिए, आप सभी चाहो तो कमेंट सेक्शन में ये भी मुझे बता सकते हो। तो गाइस अगर आप सभी को इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर हैं, उन्हें भी अपडेट होने की जरूरत है। साथ ही साथ लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो अभी कभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आप सभी को ऐसी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब बात कर लेंगे वैसे लोगों के बारे में जो लोग ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और इसके लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सभी बिगनर हो, स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम वर्कर हो, फुल टाइम वर्कर हो, फ्रीलांसर हो, रिटायर्ड पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, तब भी बिना किसी टेक्निकल स्किल्स के आप सभी ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो। इसके लिए बस आप सभी को गाइस एक लिंक चेक करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है। जैसे आप सभी उस लिंक को चेक करोगे, देखोगे वहां पर आप सभी को 3 दिनों का एफिलिएट मार्केटिंग का वर्कशॉप बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है। और इस फ्री वर्कशॉप के थ्रू आप सभी जान पाओगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टैक्टिक्स है, कैसे इंप्लीमेंट करके ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो। और अभी तक आप सभी समझ चुके होंगे कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए एफिलिएट मार्केटिंग बहुत जरूरी है। सो गाइस आप सभी को जैसे कि मैंने बताया कि ये 3 दिनों का फ्री वर्कशॉप है, 1 रुपए इन्वेस्ट नहीं करने। यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आप सभी को नेम, मेल आईडी, फोन नंबर प्रोवाइड करना है, एंटर करना है, उसके बाद आप सभी ज्वाइन कर सकते हो ये 3 दिनों का फ्री एफिलिएट मार्केटिंग वर्कशॉप। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मिलते हैं आप सभी अगले वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर यू ऑल, बाय।